Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. Ab tak ke saath aur taawun ka shukriya. Mazeed taawun ke muntazir. Adab Sarai. Adab Sarai. Johri Adat. Part 16. Dopamine se paida hone wala feedback loop. Dopamine nami ek neurotransmitter ko माप के साइंसदान किसी तलब के पैदा होने के बिल्कुल दुरुस्त लम्हे की निशानदही कर सकते हैं। डोपामिन की अहमियत 1954 में इस वक्त वाजिया हुई जब जेम्स ओल्ड्स और पीटर मिल्स नामी दो न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक तजर्बे के जरिए तलब और ख्वाहिश के पस पर्दा कार फरमा असली अफाल का पता चलाया। चूहों के दिमागों में इलेक्ट्रोड्स यानी बरकीरें नसब करके मुहक्किकीन ने डोपामिन का इखराज बंद कर दिया। ये देखकर साइंसदानों को बड़ी हैरत हुई कि चूहों में जिंदा रहने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई। वो खाते नहीं थे, जिनसी अमल नहीं करते थे, किसी चीज़ की तलब जाहिर नहीं करते थे। चंद दिन के अंदर अंदर चूहे प्यासे मर गए। बाद के मुतालों में दीगर साइंसदानों ने भी दिमाग के डोपामिन खारिज करने वाले हिस्सों को ब्लॉक किया, लेकिन इस मरतबा उन्होंने डोपामिन से महरूम चूहों के मुँह में शक्कर के नन्हे नन्हे कतरे टपकाए। शक्कर की लजत ने इनकी नन्नी नन्नी थूथनियों पर लुत्फ भरी मुस्कुराहटें बिखेर दी। अगर डोपामिन का इखराज बंद था, लेकिन शक्कर इन्हें इतनी ही पसंद आई जितनी के पहले थी। बस ये था कि शक्कर के लिए इनकी तलब खत्म हो गई थी। लजत महसूस करने की अहलियत बाकी रही, लेकिन डोपामिन की अदम मौजूदगी में ख्वाहिश खत्म हो गई और ख्वाहिश की अदम मौजूदगी में अमल खत्म हो गया। जब दीगर साइंसदानों ने इस प्रोसेस को उल्टाते हुए दिमाग के सिले वाले मराकिस को डोपामिन से नहला दिया, तो जानवर खतरनाक हद तक बढ़ी हुई रफ्तार से आदत को दोहराने लगे। एक मुताले के दौरान चूहे जब भी अपनी नाक एक डब्बे में दाखिल करते तो इन्हें डोपामिन का डोज मिलता। चंद ही मिनटों में चूहों की तलब इतनी शदीद हो गई कि वो एक एक घंटे में 800 बार नाक इस डब्बे में घुसाने लगे। इंसान भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। स्लॉट मशीन पर खेलने वाला कोई भी औसत खिलाड़ी मशीन के पहिए को एक घंटे में 400 बार घुमा सकता है। आदत फीडबैक का वो लूप होती हैं जिन्हें डोपामिन से तहरीक मिलती है। आदत की शक्ल इख्तियार करने के कवी इम्कान रखने वाला कोई भी रवैया, जैसे कि मंशियात इस्तेमाल करना, जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना, सोशल मीडिया में चकराना, डोपामिन के बुलंद लेवल से जुड़ा हुआ है। यही हमारे इंतहाई बुनियादी रवैये जैसा कि खाना खाना, पानी पीना, जिनसी अमल करना और सामाजिक मिलाप करना के बारे में भी कही जा सकती है। सालों तक साइंसदान इस मफरूजे के तहत चलते रहे कि डोपामिन का ताल्लुक सिर्फ लुत्फ व लज़्ज़त से है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये दीगर कई असबी अफाल में मरकजी किरदार अदा करता है, जिनमें तहरीक व तरगीब, सीखना और याद रखना, सजा और कराहत और रजाकाराना अफाल शामिल हैं। जब बात आदत की आती है तो बुनियादी नुकता ये है, डोपामिन का इखराज सिर्फ इस वक्त नहीं होता जब आप लुत्फ महसूस करते हैं, बल्कि इस वक्त भी होता है जब आपको लुत्फ की तवक्का हो। जुए के आदियों को बाजी लगाने से एन पहले डोपामिन की एक लहर मिलती है, जीतने के बाद नहीं। कोकेन के आदियों को कोकेन देखकर डोपामिन की लहर मिलती है, इसे इस्तेमाल करने के बाद नहीं। जब कभी आपको नजर आता है कि सिला पाने का कोई मौका सामने है, तो तवक्का के आलम में डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है, और जब भी डोपामिन का लेवल बढ़ता है, अमल करने की तहरीक भी बढ़ जाती है। हम सिला मिलने की तवक्का में हरकत में आते हैं, सिला पाने के बाद नहीं। दिलचस्प बात यह है कि आपको सिला मिलने की सूरत में दिमाग में सिले का जो निज़ाम मुतहरिक होता है, वही निज़ाम इस वक्त भी हरकत में आता है जब आपको सिला मिलने की तवक्का होती है। ये भी एक वजह है कि किसी तजर्बे की तवक्का अक्सर खुद इस तजर्बे से ज़्यादा बेहतर मालूम होती है। बचपन में क्रिसमस की सुबह के बारे में सोचना इस सुबह को मिलने वाले तहाइफ को खोलने से ज्यादा पुरलुत्फ हो सकता है। बलोगत में आने वाली छुट्टियों के बारे में सोचना छुट्टियां मनाने से ज्यादा पुरलुत्फ होता है। साइंसदान इसे चाहत और पसंद के बीच पाया जाने वाला फर्क कहते हैं। सिला पसंद करने वाली असबी सड़कें न्यूरल सर्किट्स के मुकाबले में आपके दिमाग में सिला चाहने वाली असबी सर्किट्स बहुत ज्यादा हैं। दिमाग में चाहने वाले मराकिस बड़े बड़े होते हैं, ब्रेन स्टेम, न्यूक्लियस अकम्बेंस, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, डोर्सल स्ट्राइटम, अमेगडेला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के हिस्से हैं। इसके मुकाबले में दिमाग के पसंद करने वाले मराकिस खासे छोटे होते हैं, जिन्हें अक्सर हेडोनिक हॉटस्पॉट
या अयाशी के मराकिस कहा जाता है और यह पूरे दिमाग में छोटे छोटे जजीरों की तरह बिखरे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर मुहक्किकीन ने पता चलाया है कि तलब के दौरान 100% न्यूक्लियस अकम्बंस मुतहरिक हो जाते हैं। इनके मुकाबले में पसंद के दौरान इस ढांचे का सिर्फ 10% हिस्सा मुतहरिक होता है। ये हकीकत के दिमाग अपने कीमती रकबे का इतना सारा हिस्सा तलब और ख्वाहिश से ताल्लुक़ रखने वाले हिस्सों के लिए मुख्तस करता है, इन अफ़ाल के अहम किरदार के हवाले से मज़ीद शवाहत फराहम करती है। ख्वाहिश रवैये को मुतहरिक करने वाला इंजन है। हर एक्शन इससे पहले पैदा होने वाली तवक्को के तहत लिया जाता है। तलब ही रद्दे अमल को पैदा करती है। ये इंकशाफात रवैये की तब्दीली के दूसरे कानून की अहमियत को आश्कार करते हैं। अपनी आदात को पुरकशिश बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर सिले की तवक्को ही हमें अमल की तहरीक फराहम करती है। यहाँ पर इस हिकमत अमली का काम शुरू होता है, जिसे हम तरगीबात का बंडल बनाना कहते हैं। आदात को पुरकशिश बनाने में तरगीबात के बंडल का किरदार। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन के रहने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तालिब इल्म रोनन बायरन को नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद था, लेकिन इसे यह भी इल्म था कि इसे अपने मामूल से ज़्यादा वर्जिश करनी चाहिए। अपनी इंजीनियरिंग की महारत को इस्तेमाल में लाते हुए इसने अपनी साकित बाइसिकल यानी स्टेशनरी बाइक में जुगाड़ लगाई और इसे अपने लैपटॉप और टेलीविजन के साथ मुंसलिक कर दिया। फिर इसने एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जिसके तहत नेटफ्लिक्स सिर्फ इसी वक्त ऑन होता जब वो अपनी बाइक को एक ख़ास रफ्तार पर चला रहा होता। अगर इसकी रफ्तार ज़्यादा वक्त के लिए धीमी पड़ती तो जो प्रोग्राम भी वो देख रहा होता इसके दोबारा रफ्तार पकड़ने तक के लिए रुक जाता। एक मद्दाह के अल्फाज में वो नेटफ्लिक्स की हर बसियार बीनी के साथ अपने मोटापे को ख़त्म कर रहा था। वो अपनी वर्जिश की आदत को ज़्यादा पुरकशिश बनाने के लिए तरगीबात के बंडल का इस्तेमाल भी कर रहा था। तरगीबात का बंडल बनाने का मतलब ये है कि जो अमल आप करना चाहते हैं वो इस अमल के साथ मुंसलिक कर दिया जाए जिसे करना ज़रूरी है। बर्न की बात की जाए तो इसने नेटफ्लिक्स के देखने के अमल जो कि वो करना चाहता था अपनी साकित बाइसिकल चलाने के अमल जिसे करना ज़रूरी था के साथ बंडल कर दिया यानी मुंसलिक कर दिया। कारोबार करने वाले तरगीबात के बंडल बनाने में माहिर होते हैं। मिसाल के तौर पर जब अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जिसका ज़्यादा मारूफ नाम ABC है ने अपने 2014-15 के सीज़न के लिए अपने जुमेरात के रोज़ दिखाए जाने वाले TV प्रोग्राम्स की फहरिस्त जारी की तो उन्होंने वसी पैमाने पर तरगीबात की बंडलिंग से इस्तफादा किया। हर जुमेरात को इदारे की तरफ से स्क्रीन राइटर शोंडा राइम्स के तख्लीक किए हुए 3 शो दिखाए जाते, ग्रेस एनाटॉमी, स्कैंडल और हाउ टू गेट अवे विद अ मर्डर। इसे उन्होंने ABC ऑन TGIT का नाम दिया। TGID का मतलब है थैंक गॉड इट्स थर्सडे, यानी खुदा का शुक्र है आज जुमेरात है। इन प्रोग्रामों की तशहीर के अलावा ABC अपने नाजरीन को तरगीब देता था कि वह पॉपकॉर्न बनाएं, रेड वाइन पिएं और अपनी शाम से लुत्फानंदोज हों। ABC पर शेड्यूलिंग के सरबराह एंड्रू क्यूबिट्स ने इस मुहिम के पसे पर्दा ख्याल को इन अल्फाज में बयान किया, हम जुमेरात की रातों को जोड़ों या तन्हा ख्वातीन की तवज्जो हासिल करने का मौका समझते हैं जो बैठना चाहते हैं, फरार हासिल करना चाहते हैं, रेड वाइन पीना चाहते हैं और थोड़ा सा पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं। इस हिकमत अमली का सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि ABC इस चीज़ को जो वो नाजरीन से करवाना चाहते थे यानी इनके प्रोग्राम देखना इन कामों के साथ मंसूब कर रहे थे जो कि नाजरीन खुद करना चाहते थे यानी सस्ताना, वाइन पीना और पॉपकॉर्न खाना। वक्त के साथ साथ लोगों ने ABC के प्रोग्राम देखने के अमल को आराम सुकून और तफरी के एहसास के साथ मंसूब करना शुरू कर दिया। अगर हर जुमेरात के रोज़ रात 8 बजे आप रेड वाइन पीते और पॉपकॉर्न खाते हैं तो होते होते जुमेरात की रात 8 बजे का मतलब ही आराम सुकून और तफरी बन जाता है। इमा और सिले के बीच ताल्लुक बन जाता है और टेलीविजन ऑन करने की आदत ज़्यादा पुरकशिश हो जाती है। अगर आपको किसी रवैये के साथ बैक वक्त अपने पसंदीदा काम करने का मौका मिल जाए तो इस रवैये की कशिश में इजाफा होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। शायद आप मशहूर शख्सियात के बारे में ताज़ा तरीन चटपटी बातें सुनना चाहते हों लेकिन आपको वर्जिश की भी ज़रूरत हो। तरगीबात के बंडल बनाए जाएँ तो आप जर्द सहाफत करने वाले अखबार पढ़ने और रियलिटी शोज़ देखने का काम सिर्फ वर्जिश गाह में ही कर सकते हैं। मुमकिन है आप पेडीक्योर करवाना चाहते हों लेकिन आपको अपनी ईमेल के इनबॉक्स की सफाई भी करनी है। हल: पेडीक्योर सिर्फ इसी वक्त कराया जाए जब आप अपने काम के हवाले से मौसूल होने वाली पुरानी ईमेल्स का जायज़ा ले रहे हों। तरगीबात के बंडल बनाना नफ्सियात की एक थ्योरी का इतलाक करने का एक तरीका है।
जिसे प्रीमैक्स प्रिंसिपल कहते हैं। इस थ्योरी का नाम प्रोफेसर डेविड प्रीमैक की तहकीकात पर रखा गया है। इसके मुताबिक जिन रवैयों के वकूअ का इम्कान ज़्यादा होता है वो इन रवैयों को तकवीयत देते हैं जिनके वकूअ का इम्कान कम होता है। बाल्फाज दीगर, आप ईमेल्स का जायज़ा ना भी लेना चाहते हो फिर भी आपको ये काम करने की आदत पड़ जाएगी अगर आप इसके साथ कोई ऐसा काम जोड़ दें जिसे आप वाकई करना चाहते हों। तरगीबात का बंडल बनाने के अमल को आप आदात की ग्रोह बंदी, जिसके बारे में हमने बाब 5 में बात की थी कि अमल के साथ मिलाकर अपने रवैये के तायुन के लिए कवायद व जवाबित का एक मजमुआ भी तश्कील दे सकते हैं। आदात की ग्रोह बंदी के साथ तरगीबात का बंडल बनाने का फार्मूला कुछ यूँ होगा। नंबर 1, मौजूदा आदत के बाद मैं ज़रूरी काम करूँगा। नंबर 2, ज़रूरी काम के बाद मैं मर्जी का काम करूँगा। अगर आप खबरें पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको पहले से ज़्यादा इजहार तशक्कुर करने की भी ज़रूरत है। नंबर 1, अपनी सुबह की कॉफ़ी पीने के बाद मैं एक ऐसी चीज़ का नाम लूँगा इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और जो कल रोनुमा हुई। नंबर 2, शुक्रगुजारी का इजहार करने के बाद मैं खबरें पढ़ूंगा। मर्जी का काम, अगर आप खेलों के प्रोग्राम देखना चाहते हैं लेकिन इसके साथ आपको सेल्स के हवाले से कॉल्स भी करना है। नंबर 1, लंच के वक्फे से वापस आने के बाद मैं 3 मुतवक्के क्लाइंट्स को फ़ोन करूंगा। ज़रूरी काम। नंबर 2, 3 मुतवक्के क्लाइंट्स को फ़ोन करने के बाद मैं ESPN चेक करूंगा। मर्जी का काम, अगर आप फेसबुक चेक करना चाहते हैं लेकिन आपको ज़्यादा वर्जिश की भी ज़रूरत है। नंबर 1, अपना फ़ोन निकालने के बाद मैं 10 बैठकें लगाऊंगा। नंबर 2, 10 बैठकें लगाने के बाद मैं फेसबुक चेक करूंगा। उम्मीद ये है कि होते होते आप 3 क्लाइंट्स को फ़ोन करने या 10 बर्पीस करने के अमल का इंतज़ार शौक से करने लगेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आपको खेलों की ताज़ा तरीन खबरें पढ़ने या फेसबुक चेक करने का मौका मिलने वाला है। ज़रूरी काम करने का मतलब ये होगा कि आपको मर्जी का काम करने का मौका मिल जाएगा। हमने इस बाब का आगाज़ माँ फोकुत तभी मुहर्रकात से किया था जो कि हकीकत की मुबालगा आमेज शक्लें होती हैं जो आप में मुतहरक होने की ख्वाहिश बढ़ा देती हैं। तरगीबात की बंडलिंग किसी भी आदत को अपनी पसंद के किसी काम के साथ जोड़कर इसकी मुबालगा आमेज शक्ल बनाने का एक तरीका है। किसी हकीकी मायनों में पुरकशिश आदत को तश्कील देना मुश्किल काम है, मगर तकरीबन किसी भी आदत को इसकी असल शक्ल से ज़्यादा पुरकशिश बनाने के लिए ये सादा सी हिकमत अमली इस्तेमाल की जा सकती है। खुलासा, रवैये की तब्दीली का दूसरा कानून ये है कि इसे पुरकशिश बना दें। कोई मौका जितना ज़्यादा पुरकशिश होगा इसके आदत में तब्दील होने का इम्कान इतना ही ज़्यादा होगा। आदत डोपामीन से तहरीक पाने वाला फीडबैक लूप होती है। जब डोपामीन का लेवल बढ़ता है तो मुतहर्रिक होने की ख्वाहिश भी बढ़ जाती है। सिला बजाय खुद नहीं बल्कि सिला पाने की तवक्का हमें हरकत में लाती है। तवक्का जितनी ज़्यादा होगी डोपामीन का उभार भी इतना ही ज़्यादा होगा। तरगीबात की बंडलिंग अपनी आदत को पुरकशिश बनाने का एक तरीका है। हिकमत अमली ये है कि जो काम आपको पसंद है इसे किसी ज़रूरी काम के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। अदब सराय।